राधे कर्म धर्म से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। जैसे किसी अपराधी को 2 साल की जेल हो गई, 2 साल बीत गए, छोड़ दिया गया, छुट्टी, अब पुलिस नहीं पकड़ सकती, अरे तुमने चोरी किया था, अरे तो 2 साल हो तो आए जेल में, चोरी किया था। लेकिन फिर चोरी करेगा, अरे वो जेल में ही चोरी की प्लानिंग कर लेता है, आपस में डकैत लोग मिलके, यार अब की चलेंगे तो हमारे साथ रहोगे ना, हाँ फिर देखो हम दोनों ये करेंगे, ए वो भी एक है उसको भी मिला लो, रास्ते ही में डकैती शुरू हो गई घर पहुंचने के पहले ही। तो पाप, एक पाप किया, मान लो किसी ने गाय की हत्या कर दी, उसका जो प्रायश्चित लिखा है शास्त्र वेद में वो कर दिया, तो उस पाप से हम मुक्त हो गए। लेकिन और पाप है, पिछले अलग है, अनलिमिटेड, अनंत, अब वर्तमान में भी करेंगे, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, ये शंकराचार्य तक ने माना है। शुद्धयति हिनांतरात्मा, बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। तो कर्म धर्म ज्ञान किसी से हम ये दोनों लक्ष्य, माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का, नहीं प्राप्त कर सकते, ये डिटेल में बताया गया। इसके बाद बताया जा रहा है कि भक्ति का अधिकारित्व कौन है, उस विषय में आपको बताया गया कि बड़े बड़े जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस जो माया से परे हो गए, ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं, वे भी श्री कृष्ण के प्रेमानंद के पाने पर अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं। कर्म ज्ञान ब्रह्मानंद सब भाड़ में जाए, ऐसा बोलते हैं, शंकराचार्य भी बोले हैं, किम लोके न दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न इंद्रियों का दमन चाहिए, न मन का वशीकरण चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मुझे तो श्याम सुंदर का प्रेमानंद चाहिए, शंकराचार्य ने भी कहा। एक परमहंस कहता है कि ये जो कर्म धर्म वगैरह तमाम बातें पंडितों ने फैला रखी है संसार में, जरा इनसे पूछो कि मीना स्नान परा फणी पवन भूंग में सच्च परणासनो, मछली गंगा जी में पैदा होती है, दिन रात गंगा जल पीती है, वही मर जाती है, क्या उसको मोक्ष मिलता? नहीं नहीं। और तुम 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन रोज गंगा नहा करके चाहते हो मोक्ष मिल जाए, कैसे मिल जाएगा? फणी पवन भंग,
एक बाबा जी है वो कहते हैं हम तो खाली फलाहार करते हैं, एक है वो कहते हैं हम तो खाली पानी पीते हैं। अरे सांप तो हवा खा के रहता है, उसको गोलोक मिलता है। मैं शस्य परणासनो, भेड़ बकरियां और सैकड़ों जंगली जानवर पत्ते खाकर जिंदा रहते हैं। अगर कोई आदमी पत्ते खाकर के जिंदा रहे और कपड़ा रंगा ले तो आप लोग भागे भागे घूमेंगे, अरे पत्ता खा के रहता है बड़ा सिद्ध योगी है। नीना स्नान पराफणी पवन भूमि सच्च परनाशनो नीराशा खलु चातको ही नितराम। ओ चातक केवल स्वाति का जल पी के रहता है, साल में एक बार मिल जाए दो बार मिल जाए उसको गोलोक मिलेगा क्या। शेते बिले मूषका, ये बाबा जी पेड़ के नीचे रहते हैं, हाँ इतना त्यागी है। अरे सांप वगैरह लाखों करोड़ों जंगली जानवर इनका मकान है क्या, सब पेड़ के नीचे रहते हैं। ये सब महापुरुष हैं। ये बाबा जी चार चार घंटे आंख बंद करके बैठे रहते हैं ध्यान में। ध्यान में किसका ध्यान करते हैं ये हम क्या जाने। तो बकुला जो होता है ना वो पानी के अंदर चुपचाप ऐसे बैठा रहता है, एक दृष्टि से मछली आई है मारा। इतनी चंचल मछली जो दौड़ रही है पानी में उसको पकड़ लेता है, बड़ा ध्यान करने वाला है। इन सब क्रियाओं से भगवान नहीं मिला करते बिना भक्ति के। एक महापुरुष भक्त कहता है संध्या बंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमक्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो तंसस्य कंसद्विषा स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ने किमन्ने नमे। स्नान महाराज नमस्कार। अब हम सवेरे सवेरे चार बजे उठ के नहाने का रोग नहीं पैदा करेंगे, हमको जुकाम हो जाता है। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत कर्मकांड कहता है चार बजे उठो नहाओ उसके बाद संध्या करो। अरे मैं संध्या वंध्या नहीं करूंगा। ए देवताओं, ए मेरे बाप के बाप के बाप के बाप लोगों, मैं तर्पण और श्राद्ध और ये सब यज्ञादिक नहीं करूंगा। मैं तो नंद नंदन का निरंतर चिंतन करता हूं भास और कुछ नहीं करता। पद्म पुराण कहता है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाहिजाभ्यंतरः शुचिः। हर कर्म कांड में आपको यह श्लोक सुनाई पड़ेगा। पंडित लोग सबसे पहले बोलते हैं हाथ में पानी लो, पानी ले लिया, हाँ हाथ में पानी लेके ऐसे ऐसे फेंकना अपने ऊपर, वो फेंक रहा है। हम बोल रहे हैं मंत्र, क्या मंत्र,
अपवित्र पवित्रो वा, क्या मतलब? मतलब न जजमान को मालूम है, न शायद पंडित जी को भी, और अगर पंडित जी को मालूम भी है तो जजमान को तो नहीं मालूम है, और अगर दोनों को मालूम है तो भी मंत्र में जो कहा जा रहा है वो न पंडित जी करने को कह रहे हैं न जजमान कर रहा है। क्या कह रहा है यह श्लोक? यह श्लोक कह रहा है कि चाहे अपवित्र हो, 10 साल से नहीं नहाए, और चाहे पवित्र हो, गंगा जी नहा के आए हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा, कितनी गंदगी की अवस्था में तुम हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से, तो बाहर ध्यान दो, बाहर और भीतर यानी शरीर और मन दोनों की शुद्धि हो जाए। लो अब क्या करना, और तीसरी कौन शुद्धि करता है कोई या करेगा? अरे एक शरीर है, उसको हम नहा वहा के साबुन लगा के शुद्ध कर देते हैं, और एक मन है, और ये दोनों श्री कृष्ण के स्मरण से शुद्ध हो जाएंगे। इसके आगे तमाम मंत्र हैं संध्या के, वो काहे को बोलते हो भाई, हो गया हो तो शुद्धि हो जाएगी उसकी। पानी लो हाथ में, नाक के पास लगाओ, मंत्र बोलो, यद्रात्र्या पापमकार सम्मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उद्रेण सिस्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु, वेद मंत्र है। क्या मतलब? जो मैंने दिन भर में पाप किया हो, जो और सवेरे संध्या करो तो ऐसा बोलो, जो हमने रात भर में पाप किया हो वो पाप हमारा समाप्त हो जाए, ए पानी को लो और हाथ को उठाओ और नीचे से फेंक दो। ये काहे को कर रहे हो जी? वो तो जो तुमने पहला श्लोक बोला वो शुद्धि अंदर बाहर की हो गई। भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, कोई भी कर्म धर्म ज्ञान कर डालो करोड़ों कल्प। एक परमहंस कहता है, एक बात कहूं, कस्मै किम कथनीयम कस्य मनः प्रत्ययो भवति रमयति गोप बधूटी कुंज कुटीरे परम ब्रह्म। किससे कहूं, कैसे कहूं, और कहूं तो कौन मानेगा? अरे ना माने, चलो तुम कह तो दो, तुम्हारा बोझा कम हो। अरे कुंज में मैंने देखा वो जो आत्मा राम पूर्ण काम ब्रह्म है, वो गोपी का प्रेम मांगते हुए पीछे पीछे घूम रहा है, और गोपी डांट रही है, कहां चला रहा है बेशरम नकता, मैं पराई स्त्री हूं। अरे पराई नहीं है, मेरी है, है मेरी ही है, फिर भी पीछे किए ब्रह्म, कोई मानेगा? अरे ब्रह्म क्या, ब्रह्म को पा लेने वाला ही नहीं घूमेगा पीछे चुड़ैलों के, वो ब्रह्म घूमेगा भला? मत मानो, मेरा तो अपना अनुभव है ब्रह्मानंदी का,
कम प्रति कथई तुमी से को वा संप्रति प्रतीति माया तु गोपति तनया कुंजे गोप बधूटी बिटम ब्रह्म। किससे कहूं, कैसे कहूं, कौन मानेगा? पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण गोपियों के पीछे पीछे घूम रहा है। बिटम, जैसे घोर संसारी कामांध लंपट घूमता है, ऐसे मैं ब्रह्मानंदी हूं, मेरी बात मान लो। मैं नहीं मान सकता, इम्पॉसिबल। हम संसारी लोग तो यही बोलेंगे ना, है ये कैसे हो सकता है जी, वो तो आत्मरति आत्म क्रीड आत्म मिथुन आत्मानंद सस्वराट भवति सर्वेशु लोकेशु कामचारो भवति। 7:25:2 छांदोग्योपनिषद। अरे उसको किसी की आवश्यकता है? अरे वो आत्मा राम था, हा था, वो गोपी राम बना दिया गया। हाँ, किसने बनाया उसको? कौन बनाने वाला? भक्ति, दिव्य प्रेम, उसने बना दिया। तो मैंने कलयुग के संतों का हाल बताया, और द्वापर के भी मैंने उद्धव का बताया था, भूले न होंगे, कि वो ब्रज गोपियों की चरण धूल पाने के लिए एक एक कुंज में कहीं पर वृक्ष लता बनने की कामना कर रहे हैं। उद्धव परमहंस मायातीत, जिनके लिए भगवान ने कहा था नोद्धवोन्नवपि मन्युग्नः, मुझसे कम नहीं है उद्धव, मेरे बराबर है। क्यों? भगवान के बराबर कौन होगा जी? तस्मै तज्जने भेदाभावात्। नारद जी कह रहे हैं भक्त और भगवान में भेद समाप्त हो जाता है, ये भक्ति का भेद रहता है और बाकी भगवान की सब चीजें मिल जाती हैं। अपहत पापमा बिजरो बिमृतुर बिशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा, ये 8 गुण भगवान में है, ये भगवान दे देते हैं अपने भक्त पर कृपा करके। वो केवल एक चीज अपने पास रखते हैं, क्या? जगत व्यापार भरजम, वेदांत सूत्र है 4:4:17, भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4:21, सृष्टि करने का काम अपने हाथ में लिए रहते हैं। हमारे संसार में लोग कहते हैं ना कि गुरु अपना एक हाथ छुपाए रखता है कि कभी चेला चैलेंज करे तो जीत न सके। नहीं, ये संसारी लोग ऐसा सोचते होंगे, करते होंगे, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के यहां ऐसा नहीं होता। और वो क्या कहते हैं कि एक क्षत्रिय था, उसको सब सिखाया उखाया तलवार चलाना, और उसने कहा अब तो गुरुजी बूढ़े हो गए और मैं अब जवान हो गया हूं, और तलवार के सब हाथ इन्होंने सिखाई दिए, अब हम इनको चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज कर दिया उसने गुरुजी को, और गुरुजी ने चैलेंज एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, कल युद्ध होगा तलवार से गुरु शिष्य का।
तो तर्कस बनाने वाले जो हैं, उनसे कहा गुरुजी ने कि तुम 21 फुट लंबी तर्कस बनाओ। 21 फुट लंबी, वो तलवार भी 21 फुट लंबी होगी, तो वो उठेगी कैसे? पता नहीं, गुरुजी ने ऑर्डर दिया है कि 21 फुट की तर्कस बनाओ। वो तर्कस बनाने के लिए शिष्ट भी गया, उसने देखा इतनी लंबी तर्कस, ये किसके लिए बन रही है? ये तुम्हारे गुरुजी के लिए। ओ, ये 420, तो हमारे लिए 22 फुट की बनाओ। उसने कहा हमको क्या करना है भाई, बना देते हैं 22 फुट की। और तलवार वाले से भी कह दिया कि 22 फुट की तलवार बनाओ। गुरु जी की चालाकी यह है कि 21 फुट दूर से ही मार देंगे, हमारे पास आने नहीं पाएगा, तो हम 22 फुट की बनवा लेते हैं। अब 22 फुट की तलवार लेकर के वो बैठे, 21 फुट के वो गुरु जी बैठे, अब पब्लिक बैठी, जज लोग बैठे, अब अलार्म हुआ। तो गुरुजी ने क्या चालाकी की थी कि 21 फुट की तर्कस थी और तलवार 1.5 फुट की थी उसके अंदर। तो उन्होंने चट यों निकाला और चट दौड़ करके उसके गले पर, वो अपना निकाल रहा है 22 फुट की तलवार, उससे उठी नहीं रही है। उन्होंने कहा अरे मान गए गुरुजी, एक हाथ छुपाए रहते हैं अपना, ये तो इन्होंने कभी हमको बताया नहीं। तो ये सब गंवारी बातें आपको बता रहे, संसार में होती होंगी। स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में कोई संत महात्मा महापुरुष कोई चीज न छुपाता है और न अपनी जेब में रखता है, लेकिन भगवान एक शक्ति अपने पास रखते हैं। तो उद्धव शरी के ज्ञानी परमहंस भी श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर हो गए। अब त्रेता और सतयुग की बात रह गई, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।